नमस्कार जोहार सबको। मैं अपने छत पे आई हुई हूँ और देखिए मैं अपने छत से क्या काट रही हूँ। आप लोग पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं बता देती हूँ कि मैं ये कोहड़ा का पत्ता तोड़ रही हूँ और ये कोहड़ा का पत्ता को हम लोग भुजिया खाएंगे, साग बना के खाएंगे। ये पत्ता बहुत अच्छा लगता है, कोहड़ा का पत्ता बहुत टेस्टी बनता है। और जो पका हुआ पत्ता था वो तो मैं काट के फेंक दे रही हूँ, जो हरा हरा पत्ता है उसी को खाली रख रही हूँ सब्जी भुजिया बनाने के लिए। और ये मेरा वीडियो नवंबर का ही है, नवंबर में ही वीडियो करी थी, उसी वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और अभी देखिए कितना शांत मौसम है, कितना अशांत मौसम लग रहा है, कितना आराम से ऐसे लग रहा है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह का लग रहा है मौसम। कितना शांत लग रहा है ना, तो आगे देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये भगवान ये अचानक क्या हो गया, ऐसे लग रहा था मुझे कि मेरा गंगई को तो आज तोड़ ही देगा, ऐसे सोच रही थी। और अभी आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, तो आगे देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। मैं तो सोच रही थी कि आ तो गया मेरा सारा मेहनत पे पानी फिर गया, ऐसे लग रहा था मुझे, दुख लग रहा था कि आज तो मेरा गंगई का कमर ही तोड़ देगा, ऐसे लग रहा था। तो आगे आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उधर आप लोग ही आगे देखिए और महसूस कीजिए क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मैं इतना ही बोलूँगी बस, आगे आप लोग देखते रहिए। बस मैं पत्ता ही तोड़ी थी और उसके बाद अचानक से ऐसे होने लगा, देखिए आगे।
ये गंगई का पौधा 10-12 फीट लंबा हो गया था, इसीलिए उसमें ज़्यादा हवा लग रहा था। और ये छोटा वाला पौधा है ना, ये अनार का पौधा है, इसमें तो हवा का पता नहीं चल रहा है और हमारा अनार फलना भी स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, और फूल भी आ रहा है, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है फलने के लिए। और ये अनार मैं बीज से ही लगाई थी, बीज का ही अनार है, ये ग्राफ्टेड पौधा नहीं है, बीज से ही उगा हुआ था, उसी को मैं सेवा करी तो ये बड़ा हो गया। और मैं वही बाल्टी में लगा रखी हूँ, थोड़ा बड़ी बाल्टी में लगाना पड़ेगा इसको, तो अच्छा से फल देने लगेगा। और इधर फूल भी आ रहा है, स्टार्ट तो हो गया है फलना, देखते हैं कितना फलता है। और इधर मैं पालक भी लगा रखी हूँ, पालक साग इधर लगा रखी हूँ, ये भी हमारा अब थोड़ा तैयार हो रहा है, खाने के लिए हो जाएगा। और हमारा वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पालक में भी हवा चल रहा था, और इधर देखिए सेम में भी हवा चल रहा है। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।